शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से एक कार्यक्रम में जब अडानी इंटरप्राइजेस का जो विवाद छिड़ा है उस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अडानी इंटरप्राइज को लेकर जो विवाद है उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। जो 24वें वित्त वर्ष का बजट पेश हुआ है उससे कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने देशवासियों का और आम लोगों का तारीफ भी किया और वित्त मंत्री ने यह कहा कि भारत को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में जो देशवासी हैं उनका कहीं ना कहीं अहम भूमिका है, जो आम लोग हैं उनका अहम भूमिका है। और जब वित्त मंत्री से अडानी समूह से जुड़ा सवाल पूछा गया और एफपीओ से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मार्केट में एफपीओ आते रहते हैं और मार्केट में जो कंपनियां होती हैं उनमें गिरावट भी लगातार होते रहते हैं, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था पे किसी भी प्रकार का संकट नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब शनिवार को एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया जो कि वित्त मंत्रालय से जुड़ा कार्यक्रम था, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शिरकत करने पहुंची थी और जब उनसे बजट से संबंधित साथ ही अडानी ग्रुप से संबंधित सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अडानी एफपीओ के पुल आउट और अडानी इंटरप्राइजेस से जो विवाद छिड़ा है उससे किसी भी प्रकार की जो संकट की स्थिति है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वो नहीं है और भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में इस समय मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वित्त मंत्री से ये पूछा गया कि क्या अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ में जब गिरावट हुई है तो उससे मुद्रा भंडारण का जो कोष है, वित्त कोष है, उसमें क्या किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, तो वित्त मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि बीते दो दिनों में भारत में जो वित्त कोष है या फिर जो मुद्रा भंडारण है उसमें 8 बिलियन विदेशी मुद्रा को भंडारित किया गया है, वो विदेशी मुद्रा मौजूद है और किसी भी प्रकार की चिंता का विषय कहें या फिर किसी भी प्रकार का संकट का विषय मुद्रा भंडारण में भी नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर वित्त मंत्री ने अडानी ग्रुप से जुड़े सवालों पर सीधा जवाब दिया और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अडानी से जुड़ा विवाद या फिर अडानी के जो शेयरों में लगातार गिरावट हो रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का संकट नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हमारी ये खबर आपको अच्छी लगे तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए उत्कर्ष पत्रिका के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।